क्लास फाइव में सेकेंड हिंदी पढ़ाऊंगी। पाठ 12 संबंध बोधक, इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ेंगे। कार्य पत्रक 12 संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों में संबंध स्थापित करते हैं, जैसे मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। इस वाक्य में मेज और बिल्ली का संबंध के नीचे अव्यय जोड़ रहा है। संबंध बोधक अव्यय के पहले से में के जैसे प्रसंग का प्रयोग होता है, लेकिन संबंध बोधक अव्यय प्रसंग रहित मेज के नीचे बिल्ली बैठी है भी होते हैं, जैसे रात भर, बिना, पहले आदि। तो बच्चों, इस पाठ का अभ्यास प्रश्न को आपने देख पढ़ा, अब हम उसका अभ्यास करके देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न, दिए गए संबंध बोधक शब्द भरकर उपयुक्त खाली स्थानों में लिखो। के आगे, के नीचे, के साथ, के ऊपर, के निकट, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। पहला, मनुष्य को किसी के साथ कभी भूल कर भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, के साथ करेंगे बच्चों से। दूसरा, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, इसमें भरेंगे के आगे। तीसरा, द्वार के निकट चौकीदार बैठा है, इसमें भरेंगे के निकट। चौथा, कि एक साधु पेड़ के नीचे का काफी देर से ध्यान मग्न है, के नीचे। पांचवा, वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा है, इसमें भरेंगे के ऊपर। दूसरा प्रश्न, दिए गए संबंध बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला, के नीचे से वाक्य बनाना बच्चों, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो वाक्य प्रयोग में यह शब्द आना चाहिए, फिर यहाँ है के नीचे। दूसरा, के अंदर, ये शब्द वाक्य प्रयोग में आएगा, मेरी माँ घर के अंदर है। तीसरा, से पहले, मैं तुमसे पहले आया हूँ। चौथा, की ओर, अर्जुन का निशाना चिड़िया की ओर थी। पांचवा, के सिवा, ईश्वर के सिवा हमारा